बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हमारे शो में बहुत स्पेशल स्पेशल बातें होंगी आपके लिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सरप्राइज़ हैं जो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे होंगे। वो सरप्राइज़ हमें पता चलने चाहिए और आपको भी पता चलने चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें जो हमें पता ही नहीं थी, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। बड़ा यूनिक सा शो है, बड़ा डिफरेंट शो है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूँ कि जैसे आज 12:50 पर जो सेटेलाइट है वो लॉन्च हो रहा है, और उसके बारे में सबको पता नहीं है। ये है IQ Cube के नाम से सेटेलाइट, और पाकिस्तान का ये पहला सेटेलाइट है जो कि चाइना जो है उनके साथ मिलकर ये लॉन्च हो रहा है। और ये आज रॉकेट के ज़रिए जो है जाया जाएगा, और ये चांद के इर्द गिर्द घूमने के लिए जाएगा। क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा, आज 12:50 पर इसकी सारी डिटेल हम आपको यहाँ पर देंगे, और हमारे जो माहिरीन हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। और उनका नाम है खुर्शीद साहब, जो कि साइंटिस्ट हैं, मेंबर ऑफ IQ कमर टीम। तो वो आपको सारी नॉलेज देंगे कि ये क्या है सैटेलाइट, और किस तरह से इसको भेजा जा रहा है, और इसकी इजाद क्या थी, और इसका मकसद क्या था। और उसके बाद हमारे आज प्रोग्राम में वजीफ़े भी होंगे, जिसमें हम आज उन लोगों के लिए ख़ास बात करेंगे जो मैं सरप्राइज़ कह रही थी। ये उन लोगों के लिए बात होगी जिनकी शादियाँ नहीं हो रही। मैं आपको बताऊँ, ये एक सेंसिटिव पॉइंट है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है ये, कि एक जो लड़की है उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसकी स्किन पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, उसकी जो खूबसूरती, उसकी स्किन की नरमी, उसकी जो जवानी, वो जो है वो पूरी जाती उम्र तक पहुंचती है, और उसके बाद भी उसको अच्छा रिश्ता नहीं नसीब हो रहा होता। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अच्छे रिश्ते मिलना जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया इस माशरे में, वो ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे लड़कों के लिए भी मैं बात करूँगी, मगर लड़कों के लिए मैं बात, पता है, और मुझे लगता है माशरा लड़कों के लिए बात इसलिए कम बात करता है क्योंकि हो क्या रहा है, औरतें जो है वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मर्द जो है उनकी तादाद बहुत कम है। अब सपोज़ एक लड़का अगर कोई 3 या 4 शादियां करेगा तो उसके बाद मुझे लगता है वो शादियों की तादाद कंप्लीट होगी, तब सारी लड़कियां और सब लड़कों की शादी जो है वो काउंटेबल तरीके से कंप्लीट हो सकती है, मगर ऐसे हो तो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रही कि सारे जो भाई हैं वो एक शादी नहीं बल्कि 4 शादियाँ करना शुरू कर दें, मगर मैं आपको काउंटिंग बता दूँ कि औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है और मर्दों की तादाद उसके लिहाज से कम है, तो फिर शादी जो है वो जो जोड़ है वो किस तरह से होगा। या तो मेरी जो बहनें हैं वो बहुत सारी वो घर बैठी रह जाएंगी, या फिर इस तरह का जोड़ के 4 शादियां और 3 शादियां अगर मर्द करेगा तो काउंटिंग पूरी होगी, या फिर उम्रों का, एज का बहुत डिफरेंस होगा कि जिसकी वजह से शादी की जो केमिस्ट्री है वो बाउंडिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। तो शादी जो है उसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इस्लाम हमें रहनुमाई नहीं देता, ये तो आपको पता है। और यही बात आज हम करेंगे कि इस्लाम हमें क्या गाइड करता है, दीन हमें क्या गाइड करता है कि किस तरह से मेरी घर बैठी बहनों की शादियां अच्छे घरों में हो सकती हैं और मेरे जो भाई हैं उनको अच्छा रिश्ता, अच्छी लड़की मिल सके। तो ये सारा मिस जो मैचिंग है और ये जो शादी है इसकी क्या दुआएं हैं, इसके क्या वजीफ़े हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे यहाँ पर स्कॉलर्स होंगे, हमारे पास प्रोफेसर उबैदुर रहमान शफीक इस्लामिक स्कॉलर, और साथ साथ होंगे हाफिज शफीक और रहमान जाहिद, वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं और सब उनको बहुत पसंद करते हैं, तो दोनों हमारे साथ शामिल होंगे। और साथ साथ अभी प्रोग्राम में भी एक बहुत टैलेंटेड इंसान है जो वैसे तो अगर आप देखें तो सड़कों पर हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, और धूप हो गर्मी हो, मगर उसके बावजूद देखें वो काम काम है, मगर उसने अपने टैलेंट को नहीं छोड़ा। इतना ज़बरदस्त टैलेंट, हुनर उसके हाथ में, जो कि बनाते हैं, कैलीग्राफर हैं और पेंटिंग्स करते हैं, इम्तियाज़ नुरैश हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ट्रैफिक पुलिस वार्डन है ये जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप अच्छे जो ट्रैफिक में होते हैं उनका भी सलाम यही वाला होता है या? जी जी जी, यही वाला टाइप भी होता है। नहीं नहीं, यही वाला सलाम होता है। करें ना, सबसे पहले ऑडियंस को खुश तो करें। ये खड़े होके मैंने कहा ऑडियंस के सामने जी, पाव भी करना होता है? नहीं, पाव ना करें बेशक, लेकिन ये है कि उसी तरह से चले 1 2 3 एक साथ 1 2 3 यस, ये सबको सलाम। सबको सलाम, थैंक यू। बैठिएगा, तशरीफ रखिएगा। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और ऑब्वियसली आप जैसे आपने इंट्रोडक्शन करवाया बहुत खुशी हुई, और बड़ा अप्रिशिएट भी आपने किया हमारी फोर्स को, जिस तरह से हम ऑब्वियसली सड़कों के ऊपर एक मुश्किल काम है वहाँ पे खड़े होके डिलीवर करना और सारी पब्लिक को फेस करना। अच्छा, मुझे अफसोस पता है एक बात का बहुत सख्त होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे ही माशरे में
कि इतनी मेहनत कर रहे होते हैं आप लोग ट्रैफिक में, जो जितने भी फंसे हुए लोग हैं ट्रैफिक को एक दूसरे की गाड़ियों से आगे पीछे करके निकालना, उनको आसानियाँ देना, उनको रास्ता बताना, उनको गाइड करना, और फिर अच्छे बुरे हालात में हमें सेव करना, मतलब गाड़ी की चेकिंग हो, अगर कोई ऐसे कोई थ्रेट्स हो हमारे किसी इलाके में मुल्क में, तो आप लोग सब गाड़ियों की चेकिंग करना, वो सब हमारी हिफाजत के लिए कर रहे होते हैं। बट हमारी आवाम बहुत सी ऐसी है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, आप लोग के साथ बदतमीज़ी भी करती है। मैंने देखा है बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं, औरतें काफ़ी बदतमीज़ी करती हैं। और जब से सोशल मीडिया का दौर आ गया, एक और बहुत बुरी बात ये कि अगर ट्रैफिक वार्डन अगर कोई लाइसेंस पूछ ले या कोई बात पूछ ले, तो औरतें क्या करती हैं, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग निकालना शुरू कर देती हैं। जो पहले की कॉन्वर्सेशन है वो नहीं दिखाती, जो आगे चीखती हैं वो अलग अल्फाजों में चीखना शुरू कर दी है, तुमने हमें गाली निकाली है, तुमने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की बदतमीज़ियाँ, अपनी गलती मान लेना या अपना कोई जुर्माना अदा कर देना, इससे इंसान छोटा तो नहीं हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाता, बिल्कुल सही बात तो है। ये चीज़ें भी आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऑब्वियसली मैम, जब आप रोड के ऊपर होती हैं, हमारी जो ना हमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फेस करना होती हैं। सबसे पहले तो हमने मौसम की तब्दीली और धूप, गर्मी, बारिश, धुआँ, मिट्टी, शोर, ये वाली सारी इन पोल्यूशन को फेस करना होता है, और उसके बाद हम खुद बड़े एग्जॉस्ट हुए होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने लोगों के रवैयों को भी बर्दाश्त करना होता है। तो ऑब्वियसली फिर हम पेशेंस का सामना करते हैं, पेशेंस का मुजाहरा करते हैं, और जो उसमें जो हम ताकि लोगों के साथ अच्छा रवैया रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आके जो ना अगला लोग जो ना हाइपर हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपने देखा कितने सारे इंसिडेंट होते हैं। तो हम जब घर से निकलते हैं, व्हाई नॉट, यही तो मुझे एतराज़ है कि हम लोग क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते। हम अपने हर शोबों की रिस्पेक्ट अगर करें और अगर हम रूल्स को फॉलो करें, मेरे ख्याल से सिर्फ औरतों की बात नहीं करूंगी मैं, मर्द हसरात भी बहुत बदतमीजी करते हैं। अगर आप किसी से ऐसी चलती गाड़ी में कोई क्रूजर वाला जा रहा हो, कोई प्रोटोकॉल वाला जा रहा हो, आप उसको शीशा खोल के ऐसे लाइसेंस पूछ लें, तो आगे से कहता है नाम क्या तुम्हारा, अभी तो मैं कॉल आ रही है, ये क्या तरीके हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रवैया होता है लोगों का, ऐसे रवैया, लेकिन हमने सब बर्दाश्त करना होता है। उसमें ये है कि देखिए, हम जब घर से निकलते हैं तो कोई भी लड़ने के लिए नहीं आता, हम तो ऑब्वियसली अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं, हम तो परफॉर्म करने के लिए आते हैं, कोई भी अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि जब भी हमारे मुल्क में ऐसा है कि जब भी हम किसी को रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे, किसी को रोकेंगे कि यार ये आप गलत कर रहे हैं, आप अगर गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बगैर सीट बेल्ट के आप गाड़ी चला रहे हैं, या फिर आप हेलमेट के बगैर गाड़ी चला रहे हैं, या आप वन वे आ रहे हैं, कोई भी वायलेशन कर रहे हैं, तो उससे ना सिर्फ आपकी जान को ख़तरा है बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को ख़तरा है। आप जब आप वन वे आ रहे हैं तो आप अपनी जान तो खतरे में डाल रहे हैं, इसके साथ साथ आप दूसरों की जान को और हमारी आवाम में जल्दी बहुत है, जबरदस्ती का यू टर्न लेंगे, जहाँ से वन वे में कोई रास्ता ही नहीं है वहाँ से कट लेने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि आगे से आप कट लेके यू टर्न करके आ जाओ, नहीं लंबा पड़ेगा तो जी मैंने यहाँ से, मुझे जल्दी है, और फिर झूठ भी बड़ा बोलते हैं, झूठ भी बहुत बड़े ड्रामे बहुत बहुत हमें सुनने को मिलते हैं, इतनी इतनी बातें सुनने को मिलती हैं कि अभी जो मैं ब्लड देने जा रहा हूँ, वो पेशेंट जो है ना उधर पड़ा हुआ है, बस वो ना मुझे ब्लड के लिए बुलाया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मतलब इस तरह की कहानियाँ भी बहुत सारे लोग करते हैं। और दूसरा ये है कि मैम, इसमें अगर आप सीरियसली इसको देखें तो हेड इंजरी के रेशो अगर आप देखें, जनरल हॉस्पिटल में जाके न्यूरोसर्जरी वार्ड है, वहाँ पे जाके कोई भी शख्स जो है वहाँ पे जाके न्यूरोसर्जरी वार्ड के सिर्फ हेड इंजरी की कंक्लूजन निकाल ले, और आप वहाँ पे कैलकुलेट कर लें कि कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी में आते हैं। अच्छा, तो लोगों को बिल्कुल, आप सर न्यूरोसर्जरी वार्ड जनरल हॉस्पिटल में चले जाएं, आप जना हॉस्पिटल में चले जाएं, आपकी रेशियो जो है वो तकरीबन 30-40% रोड एक्सीडेंट की है जो लाहौर के अंदर होते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ एक अपने थोड़े से फायदे के लिए कि हमारा थोड़ा सा पेट्रोल बच जाएगा, हमारा थोड़ा सा वक्त बच जाएगा, थोड़े से शॉर्टकट के लिए अपना। अच्छा, बच्चे बिठाए हुए होते हैं गाड़ी में, स्कूल लेके जा रहे होते हैं, पेरेंट्स ड्रॉप कर रहे होते हैं, मगर गाड़ी में बाइक्स पे, मैंने बाइक्स पे भी आप देखें कि बच्चे चार पाँच बच्चे बिठाए हुए हैं और वन वे जा रहे हैं, और शूटर सुबह के वक्त, जब सुबह का वक्त होता है, स्पेशल स्कूल टाइम होता है, सबसे ज्यादा ये स्कूल टाइम पे पेरेंट्स ही और उनके जो ड्राइवर जा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा ओवर स्पीडिंग इसी टाइम पे हो रही होती है, क्योंकि बच्चों को एंड टाइम पे लेके निकलते हैं, फिर ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। बाहर के ममालिक में तो ऐसा नहीं होता, यहाँ क्यों ऐसे करते हैं? हमारा एक ये भी है कि हमारी नेशन का, कि हम पूरे टाइम पे निकलते हैं, हमारे पास पूरा टाइम होता है, कि हमारे यहाँ पे 10 मिनट का सफ़र है तो हमने ये नहीं है कि हम 20 मिनट पहले निकल आए, ताकि रास्ते में इशारा भी है, कहीं पे कुछ सिग्नल रुक भी सकता है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ी सी जैम हो सकती है, मतलब हमने निकलना है कि अगर 10 मिनट का सफ़र है तो हमने 8 मिनट पहले निकलना है, तो फिर हमें बहुत जल्दी है
कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और खुदा ना खास्ता फिर इसी तरह से इंसिडेंट होते हैं। पिछले दिनों हमारे राइवेट रोड पर मैं ड्यूटी कर रहा था, तो यकीन माने वो देखा नहीं गया, हम सबके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे, तो वहाँ पर एक बच्चा था वो बाइक के ऊपर बैठा, तो बाइक वाला वो जल्दी में जा रहा था जाहिर है, तो वो पीछे से बच्चा गिर गया, जंप लगा, पीछे से बच्चा गिर गया, उसके ऊपर से ट्रक गुजर गया। अल्लाह, इतना खतरनाक, वो देखा नहीं गया, यकीन माने वो देखा नहीं जा रहा था, सुबह बाइक वाला बच्चे को स्कूल लेके जा रहा था, तो वो जल्दी में बाइक लेके निकला, तो पीछे से बच्चा गिरा और उसके ऊपर ट्रक फौरन गुजर गया है रायवन रोड के ऊपर। यकीन माने वो इतना खतरनाक यूनिफॉर्म में बच्चा, देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो ऐसी वीडियो और ऐसी वो तस्वीरें हैं कि हम उन्हें सोशल मीडिया पे दिखा नहीं सकते कि लोग देख ना सकें। आप बता रहे, मेरे रोंगटे उठ गए, बताने में ही हालत, आपके रोंगटे खड़े हो गए, मेरे यकीन माने उधर आंसू निकल गए, मेरे अभी भी आंखों में आंसू आ गए कि वो मेरे भी बच्चे हैं, रोज हम जाते हैं स्कूल में, जाते हैं बच्चों को लेके जाते हैं, तो अपना ख्याल आ जाता है कि अच्छा मेरे बच्चे यार ऐसे जाएं आए और क्या हो, तो हम सब के लिए वो इतना, अब लोगों को ये सारी बातें नहीं, हमने बच्चे उठाए हैं, हमने लोगों को उठाया है, कईयों के लखते जिगरों को हमने हाथों से उठाया, लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता। जो बंदा जिस लम्हे में जा रहा होता है उसको बहुत जल्दी, उसको नहीं पता कि यार अगले लम्हे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं ये मेरी नव आंखों के साथ मेरा सारे लोगों को एक पैगाम है, जो सुबह के वक्त निकलते हैं, खुदारा आप 10 मिनट पहले निकल आए, आपके 10 मिनट का स्कूल का सफ़र है, आप बच्चों को लेके जा रहे हैं स्कूल, आपके ऑफिस का आधे घंटे का सफ़र है, आप 15-20 मिनट पहले निकल आए, आपको कुछ नहीं, आराम से जाएंगे, आपको एक तो मेंटल आपको स्ट्रेस नहीं होगी कि मैं लेट हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, आप इजीली जाएंगे, आप पुरसकून आराम से जाएंगे। ये ऐसा हमारी कौम ये है कि वो हर वक्त जल्दी में इसलिए रहती है कि वो 10 मिनट आधा घंटा पहले नहीं निकलते। अगर आप आधा घंटा टाइम को, टाइम मैनेजमेंट है ना आपकी, और आप अपनी लाइफ को रिस्क में लगा देते हैं, इतना सा करके लाइफ को रिस्क में लगा देते हैं, और कितने एक्सीडेंट रोज की रोज आप यकीन माने रोज हम तो एनालिसिस करते रहते हैं, हम चीखते रहते हैं, लोगों को ये होता है कि शायद ये तो ऐसे ही करते रहते हैं ना, इनका तो ये है सारा। इम्तियाज साहब, आपने देखे ये सारी चीज़ें जो बताई हैं, मुझे लगता है सारे लोगों को समझनी चाहिए कि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। इंसानी जान की कदर करें, अपनी भी कदर करें, सिर्फ अपनी जान को ना सेव करें, दूसरों की जानों को भी सेव करें। ये आपका फ़र्ज़ है, सिर्फ इनका फ़र्ज़ नहीं है, इनकी ड्यूटी नहीं है, आपका भी फ़र्ज़ है। दूसरी इंसानी जान की भी कदर करें, स्लो ड्राइव करें, आराम से जाएं, देख के जाएं, टाइम से पहले निकलें, एंड बी सेफ, एवरीवन बी सेफ। आप ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इनकी कैलोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमारे साथ हैं इम्तियाज़, और इम्तियाज़ जो है ट्रैफिक वार्डन भी हैं, और साथ साथ कैलोग्राफी के इतने खूबसूरत, देखें पीसेज, उन्होंने क्या टैलेंट है उनके हाथ में, तो बताइए ना, एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले तो ये इम्तियाज़ भाई, ये जो आपने हॉर्स बनाया ब्लैक कलर का, ये वाइट उससे चौक से बनाया है? मैम ये चौक से नहीं बना हुआ, ये है ड्राई ब्रश के साथ एक्रेलिक कलर को इस्तेमाल किया है। अच्छा। उसके साथ ये बनाया गया है, और उसके ऊपर जो ये हॉर्स के, असल में इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है कि जैसे कि गोल्ड की जो पैचेस बने हुए हैं इसके ऊपर, ये असल में वो वाली सारी है। असल में इसके पीछे मैंने ये बनाया था, कंसेप्ट ये है कि जो सल्तनत उस्मानिया जो घोड़े के ऊपर फतह की गई थी सारी, हाँ। उसका ये मैप पूरा बनाया मैंने कि जितनी वो उसके ऊपर फतह की गई थी, उसको लग ये रहा है कि जैसे उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ, लेकिन ये उसका मैप है सारा, सल्तनत उस्मानिया का सारा मैप जो है ये इसके ऊपर मैंने ड्रा किया था गोल्ड के साथ, कि आपने गोल्ड मतलब गोल्ड लाइक जमीन, तो उसको इस तरह से किया था कि ये घोड़े के ऊपर जितनी जमीन फतह की गई, तो और ये पूरा ब्लैक कैनवस था पहले, yes, yes. और उसके ऊपर आपने इस व्हाइट के साथ ही इसको जो है ना, इसको बंद किया है घोड़े की शक्ल को, yes, yes. इसमें ना 3-4 टून्स हैं, इसमें आपको जो है ना इसकी आईज जो है ना, सबसे स्पेशल इसकी आईज है कि वो उसकी ओरिजिनल लुक दे रही है, उसके अंदर ब्राउनिश शेड है, लेकिन ऊपर जो है वो बाकी जो ग्रीन और ऑफ वाइट और वाइट, वो तीन कलर्स मिक्स करके उसकी बाकी टोन्स बनाई गई हैं। और आंख ऐसे लग रहा है नशीली अंदर, ऊपर से जो वाइट हिस्सा आपने ऐड किया ना, दैट इज लुकिंग वेरी नेचुरल, नहीं नेचुरल, यस, वाह माशाल्लाह। और ये भी बताइएगा, या हयो या कयूम का, इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करेंगे? ये भी गोल्ड के साथ से कैलिग्राफी किया है, ये भी गोल्ड के साथ है, उसके बैकग्राउंड पे जो या हयो या कयूम के जो वर्ड्स हैं, हाँ। जो हरूफ हैं वो पीछे उसके चल रहे हैं फ्लो में, और आगे गोल्ड के साथ या हयो या कयूम लिखा गया, या हयो या कयूम के पीछे जो ब्लैक में चल रहे हैं वो भी इसी के वर्ड्स, इसी के वर्ड हैं, या उसको खुले लफ्जों में, हां वो खुले अल्फाज में, बिल्कुल साफ है, इस तरह से आप, जी 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 बिल्कुल उसी तरह से, ये इसके ऊपर टेक्सचर वर्क किया गया है, ये क्लोजअप में अगर आप दिखाएंगे गोल्ड का टेक्सचर वर्क जो है ये उसके ऊपर किया गया है। इसको हल्का सा क्लोज कीजिएगा, ये टेक्सचर दिखाते हैं जरा कितने डिफरेंट,
इसका टेक्सचर किस तरह से बनाया है ये जो आपने? टेक्सचर मैम इसमें होता है, आप किस तरह से इसके टेक्सचर वर्क जो है ये एक आप इसके ऊपर पहले लेप कर देते हैं और उसके बाद ऊपर उसके डिज़ाइन करते हैं, तो वो टेक्सचर वर्क हो जाता है। अगर हाथ के साथ फील करेंगे तो वो सारा आपको नज़र आएगा। तो इनको ग्लास फ्रेमिंग कराने की जरूरत नहीं होती है? नहीं, इनको ग्लास, इसके ऊपर एक लैकर स्प्रे हो जाता है जो कि इसको जो ना यूवी रेज के से अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट करता है। इसको साफ बिल्कुल कपड़े से साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा इनको। आपको इसके बारे में ये वाला एब्स्ट्रैक्ट हॉर्स है, ये तो ये अब्स्ट्रैक्शन में है कि मतलब उसका जो एक नक्श सा टाइप होता है ये इस तरह से अब्स्ट्रैक्शन में है। तो और ये जो इसके ऊपर ये मतलब ये रनिंग में है और ये पीछे देख रहे हैं? जी जी जी, रनिंग में है और उसके बाल ऐसे उड़ रहे हैं। ये अरेबिक जो हॉर्स है वो एक नस्ल होती है जिसके बाल लंबे लंबे होते हैं, ये वो वाली है। तो इस तरह से। और ये बताइए ये क्या है? ये हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ऑफिस हमारा है। ये काफ़ी देर हो गई है इसको बनाए हुए, ये एक मेरी पेंटिंग थी। तो ये वहीं तो नहीं लगी हुई थी वहाँ से फिर उतार के लाए? नहीं, वही नहीं लगी हुई थी, ये काफी देर से, ये हमने काफी सारे गिफ्ट बनाए थे हमने ना। अच्छा। जो भी हमारे अफसरान होते थे तो उन्हें फिर ये गिफ्ट उन्हें देते थे कि आप। तो ये तस्वीर देख के बनाई या फिर आप ये मैंने इसके बिल्कुल सामने बैठ के आपने? जी जी, खुद मैंने सिग्नल के पास बनाई। जी जी बिल्कुल, हमारे सिटी ऑफिस के सामने बैठ के जो ना हमारा रेनोवेशन हुई थी तो वहाँ पे ये मैंने अपने इमेज एक माइंड में बना के उसको बनाई थी, क्योंकि ये पहले ऐसे ऑफिस नहीं था, पीछे उसके पूरा एक व्यू बना दिया आसमान का। ओ, इस तरह से कितनी अच्छी बनाई है। हाँ, और आप फेसेस भी बनाते हैं? जी बिल्कुल, मैं जो ना पिछले दिनों CM पंजाब मरियम नवाज साहबा को एक गिफ्ट दिया था मैंने, उसकी भी शायद वो बड़ी वो पजीराई हुई थी, मैम ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया था CM साहबा ने। उसके बाद उन्होंने फिर, वैसे इसमें कोई शक नहीं, वो खूबसूरत भी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं बिल्कुल। हसीन परी मैं जब बना रहा था तो मुझे पहले बनाने से पहले मुझे ये एक शक हुआ कि मैंने कहा इतनी खूबसूरत मैं बना लूंगा कि, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्हें बहुत पसंद आई, उन्होंने देखी। अच्छा, उन्होंने कोई इनाम भी दिया आपको? जी जी, अप्रिशिएट भी उन्होंने किया, बहुत सारे अप्रिशिएट उन्होंने किया। फिर आजी साहब को उन्होंने कहा कि आप इन्हें प्राइज भी दें, फिर आजी साहब ने मुझे CC1 कैश अवार्ड दिया, साथ CC1 जबरदस्त। तो CC1 हमारा पुलिस का एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है, समझ लीजिए सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है पुलिस के अंदर। वाह इम्तियाज भाई। जी, क्लास सर्टिफिकेट 1 होता है, वो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह इम्तियाज भाई। उसके बाद फिर उनकी फैमिली का पोर्ट्रेट बनाया था, वो भी ऑर्डर आया ऐसे ही उनका। अच्छा, उनकी फैमिली का, उनकी वालदा का, फिर उनके वालिद का, और वो CM साहब का। इतनी पसंद आई? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। वो उन्होंने बताया कि बहुत आपका हाथ अच्छा साफ है, बड़ा क्या बात है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी, हमारे क्योंकि ऑफिस में ही है नदीम साहब, तो उनके साथ एक वाकया हुआ, क्योंकि जहां हमने इस पहलू को डिस्कस किया है तो वहां पर उस पहलू को भी डिस्कस करें ताकि आवाम ये ना बोले कि हमने सिर्फ एक साइड बात की है। ठीक है, कुछ ऐसे भी वार्डन आपके इदारे में भी होते हैं जो आपको पता है कभी लोगों के साथ बदतमीज़ी भी कर देते हैं या फिर ज़बरदस्ती की उनकी किसी अना में आके उनको जो है फ़ाइन कर देते हैं कि अगर उनको कहा जाए कि वो देखें क्या हो रहा है तो वो आगे से जो है उस पर तुम इधर आओ ज़रा, तुम इधर आओ ज़रा, ये भी हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन हो भी जाता है, बाज़ूकात हम इंसान हैं, हम भी इंसान हैं ऑब्वियसली। तो इसकी कंप्लेन कहाँ की जाए, ये भी बता दें। उसकी कंप्लेन कहाँ पे की जाएगी? अगर जो भी होता है ना, कि जैसे हमारी उसकी काउंसलिंग भी होती है, हमारी CTO साहिबा हैं, मैडम हमारा है, तो उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं जो पब्लिक के हक में हैं। इवन उन्होंने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद जो है इवन CM साहिबा तक मुझे वही लेके गई हैं, उन्होंने अच्छा। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जो भी हमारे महकमे के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर सजा जजा का वो चलता रहता है, जब भी आप आपको कोई बंदा इस तरह से आपके साथ करता है कोई, तो उसका एक कंप्लेन हमारा कंप्लेन सेल बना हुआ है, वो CTO साहिबा ने वो लॉन्च किया है कि आप वहाँ पर उनकी प्रॉपर कंप्लेन करें। तो उसको फिर उनको इंक्वायरी लग जाती है, जो कंप्लेनर होता है उसको, और जो ट्रैफिक कंप्लेन कहाँ करें, बल्कि नदीम साहब इधर हैं, आ जाए, मैं तो कहती हूँ बताएं क्या उनके हमारे सिटी ऑफिस में हमारा कंप्लेन सेल बना हुआ है, और अच्छा। आप वहाँ पे प्रॉपर एक सेल उन्होंने बना दिया है कि आप वहाँ पे आके उनकी कंप्लेन करें। दोबारा बता दें, सुन लें। सिटी ऑफिस में हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ऑफिस में एक कंप्लेन सेल है, वहाँ पे आप प्रॉपर जाके एप्लीकेशन लिखेंगे कि मेरे साथ ये वाक्या हुआ है, और वो वहाँ पे उसको फील्ड ट्रायल पे देखेंगे कि वहाँ पे हमारे जो कंप्लेन ऑफिसर हैं वो उसको देखेंगे, और वहाँ पे आके फिर आपको भी बुला लेंगे और उस ऑफिसर को भी बुला लेंगे, और उनके दोनों के बयान सुनेंगे, और फिर किसी के पास इंक्वायरी लगा देंगे, DSP के पास या SP साहब के पास, वो उन दोनों के वहाँ पे सुनेंगे, बयानात सुनेंगे, फिर उसका कंक्लूजन निकाल के उसका जो भी उसकी होगी, अगर उसकी गलती होगी तो उसे पुनिश करेंगे, अगर आपकी गलती होगी तो फिर आपको वो डिसाइड कर देंगे कि नहीं ये वाला वाकया ऐसे हुआ है। तो दोनों के फिर वो जब बयानात सुनेंगे
और उसका सिनेरियो फिर सीसीटीवी कैमरों से भी उसकी मदद ली जाती है, प्रूफ देखा, हाँ, प्रूफ देखा जाता है कि वहाँ पे किसका क्या रिएक्शन था, इवन कोई ऐसी मिसाल अगर है तो प्लीज मैं चाहूंगी देखने वालों को बताएं कि जिसमें अफसरान को भी सजा मिली हो ताकि लोगों को पता चले। बहुत सारे अफसरान को मैडम, बहुत सारे हमारा बकायदा ये मैडम सीटीओ साहबा ने जो ना वो जिसका भी होता है फेयर वो करती हैं, वो ऐसे बताए ना कोई एग्जाम्पल। उसमें बहुत सारे अफसरान है मैडम, उसमें एप्लीकेशन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे आपको वो पूरा रिकॉर्ड दे सकते हैं कि ये देखें इतने सारे अफसरान को जो सजाएं मिली। अच्छा, हमारा एक प्रॉपर जो था, बात है, हाँ ऐसे अच्छा। नहीं है मैडम साहब, जो है ना वो बड़ी स्ट्रिक्ट भी है इस मामले में कि आपकी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, इस तरह से है। दूसरा उन्होंने खास उनको जाके मेरे बारे में बोलना है कि मैंने उनको शो पे बुलाया जी, आप भेजिएगा ठीक है, मैं उनको पर्सनल कॉल भी करूंगी, आपने खास उनको भेजना है और बताना है कि हम सबकी रिक्वायरमेंट है कि मैं उनसे इंटरव्यू करना चाहती हूँ। ओके 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 मैम, श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ भाई, बहुत अच्छा लगा, आपके बच्चों के लिए बहुत प्यार, बहुत दुआएं, बहुत अच्छे वालिद हैं आप, बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे मिल के अच्छा लगा। और आप जैसे लोगों को मैं चाहूँगी सलाम हो, और प्लीज़ दोबारा कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी इन लोगों की इज्जत किया कीजिए प्लीज़, ये हमारे लिए धूप में गर्मी में खड़े होते हैं, इनका एहतराम किया कीजिए। Take a break. Welcome back. You're watching Morning with Fiza. और अभी हम बात करेंगे लोकार्ट के ऊपर। लोकार्ट आए भैया, पता करो कोई लेने के लिए गया था, क्या रुपए किलो मिल रहे? ऐसे यूं ये क्या होता है, कभी लोकार्ट नहीं खाए, कोई हद होती है? मतलब जिस तरीके का मैं जिससे बात कर रही हूँ ना, जिसका हुलिया भी मैं आपको बताऊँ, ऐसा है कि इसके लिए अगर मैं यहाँ पे सोफे पे उसको बोलूँ ना कि आके बैठ जाओ तो तौहीन होगी, उसके लिए यहाँ पे मुझे तार लगवाना पड़ेगा उसकी ये हालत है। और लोकार्ट तो उसके लिए तरबूज के बराबर है जितनी इसकी कोई सेहत है, मगर खैर कुछ खाया पिया कर, क्या हो गया बच्चे। अच्छा ये देखें, लोकार्ट स्क्रीन पर चल रहा है सामने, मैं आपको बताती जाऊँगी इसके बारे में। आपको वेट लूज करना है, दुबला होना है, जल्दी जल्दी फास्ट क्विक कोई ऐसी चीज़ जो आप खाएं फौरन के फौरन आप दुबले हो जाएं, तो सिर्फ 37 जो कैलोरीज हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप लोकार्ट को खाएं और दुबले हो जाएं, इतनी अच्छी चीज़ आपको कहाँ नसीब होनी है। फाइबर जो है ना, वो जो पेट के लिए एक चाहिए होता है फाइबर, जो रेशे वाला फाइबर चाहिए होता है, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो फाइबर आपके पेट के अंदर जाके आपके फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसी वजह से आप दुबले होना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग अगर इसका लोकार्ट का शरबत इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए भी, साथ में आपको जो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, मतली आ रही होती है, क्या आ रही होती है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी, तो उसके लिए भी जो इसका शरबत है ना उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। और विटामिन ए भरपूर तरीके से पाया जाता है, और अगर किसी की आंखें कमज़ोर हैं और बिनाई जो है वो उसमें कोई ताकत नहीं है, देखें ये बातें सब बकवास है, लोग कहते हैं ना कि बिनाई तेज़ नहीं होती, कमज़ोर होती है, होती हैं, ये बचपन में होती हैं चीज़ें, ये जब बचपन और थोड़ी सी जवानी लड़कपन एज में अगर आप इस तरह की हेल्दी चीज़ें बच्चों को खिलाएँगे तो उनके अंदर वो जो कमियाँ हैं कमज़ोरियाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी। आपको आँखों की भी जो एक विटामिन्स हैं वो जब आप देंगे उनके बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो जो आँखों की कमज़ोरियाँ हैं, जो विटामिन्स उनको नहीं मिल रहे, वो सारी चीज़ें उनको उस तरीके से मिलेंगी। मतलब ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं वो उसको खा सकते हैं, और शुगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मैं सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ इसमें हल्की सी मिठास भी है, ये नहीं है कि फीका कौड़ा कोई टेस्ट है। लोकार्ट बड़ा टेस्टी फल है मिठास के साथ। अच्छा आप किसी रेडी की दुकान से देख के सही देखें, किसी बंदे से जो बेच रहा हो तो आप चख के देखें तो हल्की हल्की सी मीठी भी है, और ये ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट खाएं, उनकी शुगर के लिए बहुत अच्छी है लोकार्ट, भरपूर तरीके से खाएँ। मीठा भी खा सकते हैं इसका, और इसका कोई मीठा नुकसानदेह भी नहीं है, मतलब इतना अच्छा फल है कि आप ये लोकार्ट खा भी रहे हैं, आपको मिठास भी मिल रही है और इसका नुकसान भी नहीं। दिल के जो मरीज़ हैं वो भी इसको बेशुमार तरीके से इस्तेमाल करें, तरीके से भरपूर खाएं इसको, क्योंकि ये जो दिल की धड़कन है उसको जो है वो तेज़ करता है, आपके दिल को मजबूत करता है, दिल को ताकत देता है, आपके दिल को एक सुकून बख्शता है। जैसे आप अपने बच्चों को देखते हैं जब खुश होते हैं आपके दिल को सुकून मिलता है, उसी तरह जब आप लोकार्ट खाते हैं तो आपके दिल को मजबूती के साथ साथ ये सुकून और तस्कीन पहुँचाता है, और वो जो खून है ना आपकी उसकी जो एक गरमाइश है
उसको कम करता है। अब गर्मी आ रही है, सबके साथ मसला क्या होता है कि ये जो बेचैनी, घबराहट, तकलीफ़, एक आप अजीब से रहते हैं, चिड़चिड़े से, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करता है, आपकी इस पर्सनैलिटी को ना काम डाउन कर देता है। तो आप इसको जो है इस्तेमाल कीजिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आपके खून की गर्मी को ठीक करने के लिए आपको लोकाट जो है वो बहुत मदद करेगा, ठीक है। और ये मुझे बाल को तंग कर रहा है। अच्छा जी, और जो आपका हाजमा है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम चीज़ें खा रहे होते हैं मगर हज़म नहीं हो रही होती, इधर रह जाता है, ऐसा फील होता है कि आपने कुछ खाया और इधर रह गया। और इस चीज़ के लिए अगर आप लोकाट इस्तेमाल करते हैं या लोकाट का शरबत पी लेते हैं, तो जो कुछ आपने खाया पिया वो आपका हज़म हो जाता है। मगर मोस्टली क्या होता है, खाने के बाद बंदा कोशिश कर रहा होता है, कोई ऐसी ऐसी वर्दिश कर रहा होता है कि किसी तरह हिलने जुलने से हज़म नहीं होता। आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे हज़म हो जाए। हाँ, वॉक से हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक्टिव पोजीशन में होती है। मगर वैसे मैं आपको बता रही हूँ, ग़िज़ाएँ भी वो खाएँ जिससे आपका हाजमा ठीक हो जाए। अच्छा, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जब आप धूप में जाएँ कहीं और आपको गर्मी दाने निकल आते हैं, फिर आप वो पता नहीं पिकली हीट पाउडर लगाते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें अपनी पीठ में लगा रहे होते हैं, बच्चों को लगा के भेज रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पीठ के गर्मी दाने हैं ना, उसकी शिद्दत को कम करता है और आपको बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाता है। वो जी नहीं, मिंट जैसे आपने पीठ पे आपको लगा दिया, आपको किसी ने पिकली हीट पाउडर, आपको ऐसे आराम आ जाती है, उसी तरह इसको खाने के बाद आपके दानों के लिए जो है ये प्रॉपर ट्रीट है। सबसे बड़ा मसला क्या है, अगर कि कोई पेशेंट है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको सेहत दे, बवासीर, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, तो उसके लिए सबसे अच्छा इलाज है लोकाट। इसको तरीके से खाएं, चबाएं, हर खाने के बाद खाएं, क्योंकि जो उसकी तकलीफ़ है, जो उसका पेन है, जो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, बिलक जाता है बंदा, ये उसके लिए उस तकलीफ़ में आराम देता है। तो उस तकलीफ़ के आराम के लिए लोकाट खाएँ। लोकाट के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, कम कैलोरीज, बेशुमार विटामिंस, और इतने इसके जो फ़ायदे हैं, मादनियात, तो मुझे लगता है कि आप जो है इसकी जो मादनियात बहुत ज़्यादा होती है इसमें, जैसे प्रो विटामिंस एंड मैग्नीशियम्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, इसमें सही तरीके से पोटेशियम है। और जो आपके कोई ऐसे बॉडी स्वेल हुई हुई है, या कोई आपकी ऐसी ट्रीटमेंट हुई है, या कोई ऐसी सर्जरी ऑपरेशन हुआ है और आप स्वेल्ड हुए हैं, तो उस स्वेल्ड के लिए भी बहुत अच्छा है। दिल की बीमारियों से आपको मैंने आपको बताया कि बचाता है और आपको सेहत बख्शता है। अल्लाह ताला की हर चीज़ में, हर नेमत में इतने सारे फ़वाद हैं कि गिनते 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 थक जाएंगे, हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, मगर हमें इसका, मैं बताऊँ, हम शुक्र भी नहीं अदा कर सकते कि अल्लाह ताला हमसे कितना प्यार करता है, कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, जिसको हम खाते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। और इसी के साथ साथ लोकाट अगर मेरे आ गए होंगे तो मैं तो खाऊंगी। आप प्लीज़ लाजमी लोकाट ज़रूर खाएं, मैं जिस तरह समझा रही हूँ ना, उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट करें और आज लोकाट लेकर आएँ। ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे, मगर इस पर बात नहीं होगी, शादी पर बात होगी। अभी हम शादी पे बात करेंगे, लोकाट के ऊपर बात हो गई। लोकाट के लिए आपको समझ आ गया, मेरी बहनें, जितना मेरे भाई, क्या मसला होता है ऑफिस जा रहे हैं सुबह और पेट यहाँ पे इतना निकला हुआ है, वो बटन बंद ही नहीं हो रहे, और ऑफिस में ऐसे बटन खुले जा रहा था मेरे भाइयों का। वो मसले जो है ना, मुझे पता है मेरे भाइयों को बहुत होते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फिजीक वैसे ऑल्दो सब स्मार्ट है, मगर ये सिर्फ पेट, ये वाली जगह जो है ना, ये निकल आती है, और उसकी वजह से बार बार उनके ना बटन यहाँ से पेट के खुल रहे होते हैं और शर्मिंदा हो रहे होते हैं। तो ऐसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, लोकाट आ गए भाई, लोकाट खाना है, लोकाट से वेट लूज़ होता है। हर कोई मुझसे नुस्खा पूछता है ना दुबला होने के लिए, क्या करना है क्या करना है, लोकाट खाएं। अच्छा, और साथ साथ अब जब ब्रेक से हम वापस आएंगे, लोकाट हो गया, बहुत समझा दिया मैंने, सब कुछ बता दिया, लोकाट क्या चीज़ है, क्या जादूगरी फल है, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक के बाद यहाँ पर शादी के लिए। शादी के लिए बताती हूँ क्या बात होगी। मैंने आप लोगों को आज ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाना है, दो हमारे पास साहिब इल्म भी होंगे जिनसे मैं आपकी जब बात करवाऊँगी तो आपको समझ आएगा कि कौन से ऐसे वजीफ़े हैं जिनको सही तरीके से पढ़ने से आपको अच्छा वर, अच्छा रिश्ता मिल सकता है। देखें, जो शादियों की परेशानी है ना, वो जेन्युइन परेशानी, वो सीरियस परेशानी है। आप परेशान शायद अपने मुंह से आप बोल देते हैं कि नहीं हम परेशान नहीं, हमारे लिए शादी नॉट इम्पॉर्टेंट, ये वो नहीं। आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं ना, वो परेशान होते, वो फिक्र में होते हैं, वो कहते हैं मेरी बेटी घर बैठी है, इसकी शादी हो जाए। ठीक है, हम ये बात भी आपको समझाते हैं कि शादी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, आपने कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ काम करना है, मगर वाई नॉट, एक
शादी होती है, एक को एक लाइफ पार्टनर जोड़ी मिलती है, उससे फिर एक औलाद इस दुनिया में आती है, फिर ये जो सारी खुशियाँ, ये सारा जो प्रोसेस अल्लाह ताला ने बनाया है, निज़ाम बनाया है, इससे हम पीछे नहीं भाग सकते। इसकी ख्वाहिश हमने करनी है। शादी हमारे पैगंबरों ने की है, हमें नबी पाक ने की है, तो शादी हमने करनी है, मगर किस तरीके से करनी है, कैसे इंसान से करनी है, उसका क्या तरीका है, और उसके लिए किस तरीके की दुआएं हैं जो हमने करनी है। हम सुबह शाम अल्लाह से कितनी चीज़ें मांगते हैं, क्या हम शादी की दुआ नहीं कर सकते? मैंने बहुत शादी की दुआ की है। मैंने, मुझे याद है कि जब मैं 9, 8, 10 साल की हुई थी, तो मेरी अम्मी ने उस एज से मुझे ख़ुद सिखाया था शादी की दुआ के लिए। अम्मी ने बताया था कि अल्लाह ताला, जब मैं बैठती थी, अम्मी मुझे दुआएं सिखाती थी, तो अम्मी मुझे बताती थी, हम सबसे पहले नाना नानी को बख्शते थे उस दुआ में, कि अल्लाह ताला मेरे नाना नानी को जन्नतुल्फिरदौस में आला दर्जे का मुकाम अता फ़रमाए, और उसके बाद जितने भी मुसलमान लोग हैं, अल्लाह ताला उनको भी मग़फ़रत फ़रमाए, उनकी भी इस दुनिया में। फिर साथ अम्मी बताती थी, अम्मी ये भी बोलती थी कि अल्लाह मेरी जो आगे शादी होगी तो वो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा इंसान हो जिससे शादी हो, मेरी तालीम में मैं अच्छे ग्रेड्स लाऊं, मेरी माँ को सेहत, ऐसी पूरी दुआ सिखाई थी। आप भी अपनी बेटियों को सिखाएं, और उसको सिखाने के लिए आज हमारे पास आलिम आएंगे, वो आपको सही तरीका बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि आज ये जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है 12:50 पर, पाकिस्तान का चांद पर पहला सैटेलाइट है आई क्यूब कमर, तो ये आज 12:50 पर जाएगा, जो कि जो चीन के हनान स्पेस जो है उससे, वहाँ से ये रवाना होगा, और इसके बाद जो है 3 से 6 माह जो है वो ये चक्कर लगाता रहेगा इर्द गिर्द चांद के। जैसे ये गोल चांद होता है ना, सपोज़ दिस इज़ द चांद, राइट, इसके इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की। इस बार को देखा जाए तो पाकिस्तान के जो ये बड़े बड़े इदारे हैं, और ये जनाब, मैं ये भी बताऊँ कि इन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त काम किया है, ऐसी अचीवमेंट है कि ये चांद के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट घूमेगा उसको लॉन्च किया है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जनाब, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट मेंबर, जो ख़ास इस प्रोजेक्ट के भी मेंबर हैं, मैं आपको बताऊं, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये आई क्यूब कमर, तो इसके लिए हम इनसे रब्ता कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद साहब, और हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद साहब। बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको, आज आप लोगों के लिए मैं कहूँगी, बल्कि सबके लिए बड़ा फ़ख्र का दिन है, बड़ी बात है, एक बड़ी अचीवमेंट है, आप समेत हम पूरे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो सबसे पहले ओवर टू यू, आप क्या कहना चाहेंगे इस आई क्यू कमर के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, और डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ना सिर्फ हमारे लिए, कोर टीम के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़े फख्र की बात है, या बड़ा एक ऑनर है कि आज हमारा अपना सैटेलाइट चांद के लिए रवाना हो रहा है। आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:18 पे ये लॉन्च है। अच्छा, 12:50 नहीं, 2:18 पर ये अभी बिल्कुल अभी हमारे पास चाइना से अपडेट आई है कि थोड़ा सा ये लॉन्च डिले है, क्योंकि वहां पे कोई वेदर वगैरह का इशू था। 2:18 ये अपडेट है, ये बिल्कुल अभी यानी हमें अभी आई है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, इसके बारे में मिशन बड़ा यानी सक्सेसफुल मैं ये कह सकता हूँ, इस लिहाज से भी रहा कि 2 साल पहले ही हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, और चांद पे मिशन भेजना एक बड़ा एक्सपेंसिव काम भी है। मेन कॉस्ट लॉन्च की कॉस्ट है कि सैटेलाइट को यहाँ से मून तक लेके जाया जाए, तो हमें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एप्सको एक इदारा है उसके थ्रू, कि हमें ये लॉन्च अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। हमने भी बिड किया, मुस्लिम मुल्कों ने भी बिड किया, और हमारा प्रपोजल सबसे ज्यादा बेहतर था। चाइना स्पेस एजेंसी ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, माशाल्लाह, और वो जो लॉन्च अपॉर्चुनिटी थी वो हमें दी। सो उसके बाद 2 साल के करीब अरसे में ये पूरी सैटेलाइट बनी, जिसमें पिछले 6-7 महीने तो सिर्फ इसकी टेस्टिंग होती रही। अच्छा। और वो तमाम टेस्टिंग के मराहल से हमारी सैटेलाइट गुजरी, वो पास किए तमाम के तमाम टेस्ट जो जरूरी होते हैं किसी भी सैटेलाइट को इंटीग्रेट करने से पहले। तो जब ये टेस्ट क्लियर हुए, और जब हमें पता चला कि सैटेलाइट पास हो गई है आप कह सकते हैं, और लॉन्चर में जा रही है, तो वो एक बड़ा सक्सेस का मौका था हमारे लिए, कि एक बनाई हुई चीज
उनके डॉक्टर स्टैंडर्ड साहब, के मुताबिक पूरी इसका जो होती है और फिर डिज़ाइन लॉन्च है, होगी इंशाल्लाह। इसकी जो पूरी लुक है, इसका जो डेवलप है, पूरा डिज़ाइन, इसकी डेवलपमेंट जो है, वो सारा कुछ पाकिस्तान ने किया है या चाइना ने भी आपके साथ मिलकर सारा साथ दिया है? इसमें एक्चुअली मेन काम तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान की एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हुआ है। यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। हमारा थोड़ा सा सेटेलाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी है। पहली सेटेलाइट IQ-1 के नाम से हमने लॉन्च की थी 2013 में। उसके बाद भी कुछ सेटेलाइट्स के प्रोजेक्ट्स होते रहे, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प स्पार्को ने भी की है। जो हमारा नेशनल स्पेस का इदारा है, उनकी रिसर्च फैसिलिटीज़ हमने यूज़ की हैं, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे वो हमें एडवाइस करते रहे हैं। चाइना से हमारी एक पुरानी कोलेबोरेशन है, एक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोलेबोरेशन शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ, शंघाई जियाओटांग यूनिवर्सिटी, और कुछ चीज़ों में वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन मेन जो डिज़ाइन है और डेवलपमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में हुई है। अच्छा, इसके बारे में बताइएगा कि जो शेंग ये E-6 मिशन जो है, जी जी वो एक्सक्लूसिवली किस तरीके से भेजा जा रहा है, या सिर्फ लॉन्चिंग साइट ही इसकी इस्तेमाल की जा रही है? बिल्कुल। एक्चुअली चाइना का जो अपना मिशन है चांद पे भेजने का, उसका नाम है चैंगी, चैंग चेंगे। ई, और इसके पहले 5 मिशन जा चुके हैं, ये छठा मिशन है। तो इस लिहाज से उन्होंने इसका नाम चैंगी 6 रखा है। अच्छा, इस मिशन, ये एक्चुअली इनका जो मिशन है वो बड़ी सैटेलाइट है, बड़ा एक मिशन है, जिसके 2 मेन पार्ट हैं। इनका जब लॉन्च हो के मून के ऑर्बिट में पहुंचेगा, तो एक पार्ट मून को ऑर्बिट ही करता रहेगा, दूसरा पार्ट उस ऑर्बिटर से अलग होके मून के सरफेस के ऊपर भी लैंड करेगा, यानी लैंडर, अच्छा जिसने सॉइल के कुछ सैंपल्स वगैरह भी कलेक्ट करने हैं। जो हमारी सैटेलाइट है वो इस ऑर्बिटर के साथ ही लगी होगी, और जब ऑर्बिटर मून के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू करेगा, तो हमारी सैटेलाइट अलग हो जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। और अच्छा लॉन्च होने के बाद ये एक इंडिपेंडेंट सैटेलाइट के तौर पे चांद के गिर्द गर्दिश करनी शुरू हो जाएगी। तो तमाम बाद में ऑपरेशंस जो हैं वो हमारी अपनी सैटेलाइट खुद से इमेजेस लेगी, डेटा कलेक्ट करेगी, जो भी यानी सेंसर्स लगे हुए हैं उनसे डेटा तो डॉक्टर लेगी, साहब, और वो डेटा इसका जो हमें। प्लान है वो क्या है एग्जैक्टली? मतलब आप लोगों ने वहाँ पे जब सी सैटेलाइट भेजा जाएगा, तो एग्जैक्टली मकसद और जो एक जो दो कैमरे लगे हुए हैं, ये किस किस्म का डाटा जो है वो आप कलेक्ट करना चाहते हैं, और वो कहाँ पे स्टोर होगा डाटा? वो चीन में होगा, पाकिस्तान में होगा? और सबसे बड़ी बात कि वो डाटा किस मकसद के लिए, क्या जानना चाहते हैं, व्हाट इज द प्लान? जी, ये एक्चुअली जो हमारी सैटेलाइट का डाटा है उसमें, क्योंकि 2 कैमरास हैं, तो हमारे पास इमेजेस आएंगे मून के मुख्तलिफ जावियों से। हम इमेजेस लेंगे, अर्थ के भी इमेजेस आएंगे, क्योंकि 2 ऑपोजिट साइड पे कैमरा है। ठीक, इन कैमरा से जो इमेजेस आएंगे वो चाइना का डीप स्पेस नेटवर्क, क्योंकि डीप स्पेस में कम्युनिकेट करने के लिए एक डीप स्पेस नेटवर्क चाहिए, वो उनका नेटवर्क हम यूज़ करते हुए ये अपना डेटा अपने पास लेके आएंगे। चाइना में भी ग्राउंड स्टेशन है जहाँ पे ये डेटा रिसीव होगा, और हमारे पास यहाँ पे इस्लामाबाद में और लाहौर में भी ग्राउंड स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे ये डेटा हमारे पास आएगा। और ये वाले इमेजेस जो हमारे पास आएंगे, चाँद के सरफेस के बारे में मज़ीद जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको यूज़ करते हुए हम फ्यूचर के कोई अगर मिशंस हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू अगर करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें बड़ी एक हेल्प मिलेगी कि चांद का सरफेस किस तरह का है, और अगर कभी फ्यूचर में कोई लैंडिंग का मिशन हो तो हमें उस सरफेस का जब पता होगा तो हम बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेशन का। फिर से मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी। कुछ एंड में कोई वर्ड, एक कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ ओवर टू यू। आप अपने सारे पाकिस्तान की आवाम से बात ज़रूर कीजिए, क्या मैसेज जी, करेंगे? मैं बिल्कुल आपके तवसत से, आपके चैनल के तवसत से सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ज़रूर एक ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ कुछ मसले मसाइल हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं और होती रहेंगी इंशाल्लाह। सो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिविटी को फ़रोग देना चाहिए, और जो भी कोई अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और बिल्कुल मज़ीद कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर हों। यानी ये तो एक छोटा सा स्टेप है, सो इससे आगे मज़ीद स्टेप्स लें और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में जल्द से जल्द शामिल हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप जैसे लोग होंगे तो जरूर शामिल होगा, और हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया।
ओह माय गॉड, कितनी खुशखबरी की बात थी, और मुझे लगता है कि आज की ये सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ हमें शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम आधी आवाम जो है वो सोए हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हम सिर्फ बैठ के यही बातें कर देते हैं कि भाई हम फूफी की शादी में गए थे तो वहाँ पर बोतलें ठंडी थी, ठीक है, मतलब गर्म थी तो ठंडी बोतलें नहीं मिली, इस तरह की बात करके आ जाते हैं। बस हमें यही हमारी ज़िंदगी रह गई है। हमारी ज़िंदगी बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और हमने इसको सेलिब्रेट करना है। पाकिस्तानी साइंसदान जो है ना, उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और उसको हम भूल नहीं सकते, और आज वही दिन है कि जहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना बड़ा दिन मना रहे हैं, और ये कामयाबी है। वी हैव टू सेलिब्रेट। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो कि बहुत सीरियस इशू है, शादी का टॉपिक। बहुत सी बहनें मेरी जो घर बैठी हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको अच्छी लड़कियों के रिश्ते नहीं मिल रहे, तो वो आज सारे वजीफ़े हम आपको बताएंगे कि कौन सी दुआएं हैं, कौन से वजीफ़े हैं जो सही तरीके से अगर आप पढ़ें तो आपकी ज़िंदगी में आपको अच्छा पर अच्छा रिश्ता मिल सकता है। उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ शफीक रहमान साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और हमारे शो पर आते रहते हैं और आप उनको बहुत पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा जो शिकायत मुझे मिलती है ना, वो ये मिलती है कि वो वजीफ़े जो है हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा करें, तो आज आप के सामने है, कोई कॉल पे भी आता है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वजीफ़े लेने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले मैं जो हाफिज़ साहब है ना, उनसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मोस्टली जो शादियाँ नहीं हो पाती, घर बैठ जाती हैं लड़कियाँ और उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे होते हैं, तो क्या मोस्टली आपको क्या लगता है माशरे में क्या रीज़न है? शफीक साहब, ओवर टू यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो यह है कि शादी ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, निकाह मिन सुन्नती फमर रागी बन सुन्नती फलीसा मिन्नी, और शादी सिर्फ़ मुआशरती मामलात को हल करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसका तल्लक आपकी रूहानियत से भी है, इसका तल्लक आपकी इनफरादी ज़िंदगी से भी है, आपकी निजी ज़िंदगी से भी है, मुआशरती ज़िंदगी से भी है। लेकिन अगर बात की जाए कि किन वजूहात की, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये शादी में या तो रुकावट आती है या शादी हो नहीं पाती या शादी चल नहीं रही, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुआशरती वजूहात हैं। मुआशरती वजूहात में अगर देखा जाए तो लोग बाद दफ़ा शादी में मेंटल लेवल ऐसा बना रहे हैं कि मर्द चाह रहे हैं कि वो हूरे इन मिले और औरतें चाह रही हैं कि वो जबरील जैसी सिफात रखने वाला मर्द हो, तो जिसकी वजह से एज बढ़ती जाती है और उसके बाद शादी नहीं हो पाती, वक्त निकल जाता, वक्त निकल जाता है, और जिस वक्त निकल जाता है फिर बंदा बसा औकात ऐसे जुमलों पे भी आ जाता है कि शादी होनी चाहिए, औरत होनी चाहिए और मर्द होना चाहिए, चाहे जैसे। किस उम्र से शादी की दुआ करना शुरू कर देना चाहिए? वैसे तो ये तो इलाके के एतबार से, असल तो ये है कि बाद इलाके ऐसे हैं जहाँ 20 साल में बलूगत और शादी की ज़रूरत भी फील होती है, और इसी तरह बाद इलाके 25 साल हैं, लेकिन इसकी असल चीज़ तो यह है कि बलूगत के बाद शादी का प्रोसीजर हो जाना चाहिए और आसान और जल्दी निकाह जितना हो जाए उसमें अल्लाह रहमत फरमाता है। तो शफीक साहब, कौन कौन सी दुआएं तो पहले आप बताना शुरू कर दें, जो ख़ास तौर पर शादी के लिए जो लड़की अगर वजीफ़ा करना चाहे तो वो कौन से वजीफ़े करें कि उसकी वक्त पे शादी। देखें, शादी की जो मसनून दुआ है वो उस तरीके से बकायदा रसूल कायनात से शादी करने की इस तरह की दुआ नहीं मिलती, लेकिन हमें कुरान और सुन्नत के पूरे मुताले से देखा जाए तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त मदीन में वो पानी पिलाया और उसके बाद ज़रूरत महसूस की तो अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इसकी तादाद मुतय्यन नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी 21 या 41 या 100 दफ़ा पढ़ ले, लेकिन इसकी मानवियत को सामने रखना है, गोया के अपनी हाजत को अल्लाह के सामने पेश करना है, रब्बी ऐ मेरे रब मैं तेरा मोहताज हूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ अपने फ़क्र और अपनी ज़रूरत को बाकायदा अल्लाह के सामने महसूस भी करवाना है। अगर बंदा दुआ करे लेकिन फ़कीराना हालत में ना करे, ज़रूरत और हाजत के तौर पे ना करे, तो सीधी बात है उस तरह दुआ लगती नहीं। वहाँ मज़े की बात है, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनको कुछ खाने और भूख की काफ़ी अशद ज़रूरत थी कि खाना मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से खाना भी दे दिया और खाना बनाने वाले भी और खाना चलाने वाले घर भी इस तरह दे दिया, रब्बी निर्माण दलता लिया मिन खैरिन फ़कीर। और इसी तरह एक दुआ
जो बहुत अहम है, दो रकत नमाज पढ़ के, जिसे हम दुआए इस्तखारा कहते हैं। अच्छा। अगर कोई आदमी पसंद की भी शादी करना चाहता है तो पसंद की शादी में भी सबसे परफेक्ट दुआ यही है जिसे दुआए इस्तखारा कहते हैं। उस दुआ को आप देखें, उसके अल्फाज कितने प्यारे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिल्मिक वास्तकदिरुका बिकुदरतिक वासअलुका मिन फज़लिका अलअज़ीम फइन्नका तक़दिर वला अक़दिर। या अल्लाह, ये जो रिश्ता है या ये जो काम है, इस पर तेरी कुदरत है, मेरी कुदरत नहीं है। मैं इसके बज़ाहिर सोर्सद भी असबाब और वसायल भी नहीं रखता। फइन्नका तक़दिर वला अक़दिर फइन्नका तअलम वला अलम इन्ना कानता अल्लामुल गुयूब। या अल्लाह, मुझे इसका जाहिर पता है लेकिन इसके बातन के मामलात का नहीं पता। लोगों के चेहरों पे सजे हुए महराब ना देखो, उनके लंबे लंबे सईदे ना देखो, उनके मामलात देखो। और मामलात चेक करने के तीन ही तरीके हैं बुनियादी। एक तो यह है कि आप उसके पड़ोस में रहे हों। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला के सामने किसी ने तारीफ़ की कि वो आदमी बहुत अच्छा है, आपने फरमाया क्या आपने इनके साथ ये काम किए हैं? फरमाया नहीं। फरमाया तीन काम। पड़ोस से पता चलता है कि आदमी की शख्स तो वादे है, उसकी शख्सियत की क्या हालत है। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है कि आप उसके साथ कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा मामला लिंक करके जिसको देख सकते हैं कि आपके मामलात में वो कैसा है। बसों का तो एक आदमी उसको 10-20 लाख 2 करोड़ दे दिया जाए तो आप यकीन करें वो पैसे के टुकड़े पे जिस्म के टुकड़ों को छोड़ देता है और अपने गोशे और जिगर गोशे उनको जो ना वो दोस्त जो कल्बी यार जिगरी यार और दिली यार थे उनको भी बसौकत कत्ल कर देता। और तीसरा जो बहुत अहम मामला है वो सफ़र है। किसी आदमी के साथ आप सफ़र करें उससे भी पता चल जाता है कि इसकी शख्सियत क्या है। तो अर्ज कर रहा था कि ये दुआ, इससे सारा कुछ खुल जाता है कि ये मामलात क्या हैं। और फिर उसके बाद आगे लफ्ज़ है इन्ना कंता अल्लामुल गुयूब अल्लाहुम्मा इन कुंता तालम अन्ना हादल अमरा। या अल्लाह, इस मर्द के साथ या इस औरत के साथ मेरी शादी या मेरा बिजनेस कोई भी इस्तखारे का काम किया जा सकता है। इन कुन तआलम अन्ना हादल अमरा खैरुल्ली फी दीनी, मेरे दीन के अतबार से शादी बेहतर है और मेरी मईशत के अतबार से शादी बेहतर है, मेरी दुनिया के अतबार से शादी बेहतर है, मेरी आखरत के अतबार से शादी बेहतर है। तो या अल्लाह, इसके असबाब पैदा कर दे और उसके वसाइल पैदा कर दे। और आगे ये है कि या अल्लाह, अगर तू समझता है और तेरे सिवा कोई नहीं जानता, तू जानता है कि ये रिश्ता बिज़ाहिर बड़ा खूबसूरत है, ये शख्स बिज़ाहिर बहुत बीबा आदमी लगता है, बड़ा समझदार आदमी लगता है लेकिन अपनी बातों के फ्रेम में लेने वाला है, लेकिन अगर इसकी साथ शादी मेरे दीन मेरी दुनिया मेरी मईशत मेरी मुआशरत और मेरी आखरत के अतबार से सही नहीं है, या अल्लाह मुझे इससे और इसको मेरे से दूर कर दे। आप यकीन करें इस दुआ की बरकत से क्या बात है, बकायदा वो आदमी आपसे, हत्ता कि मैं तो कहता हूँ कि यकीन करें शादी वाले दिन भी इस्तखारा कर लें कि अगर शादी करनी है तो आपको कोई ऐसा जीन ना मिल जाए जो सारी जिंदगी आपकी खराब कर दे। इस्तखारा करके शादी करनी चाहिए, खास और इसी तरह उधर को जिन को चुड़ैल ना मिल जाए कि जिससे शादी खराब हो जाए। अच्छा, अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ इसी टॉपिक पे बात करेंगे, शादी पे कॉल्स भी शामिल करेंगे। मुझे पता बहुत सारी कॉल्स आ रही है मगर मैंने कहा थोड़ा सा मोमेंटम बन जाए, उसके बाद बात करते हैं। फिर आप यहाँ पे दुआ लीजिएगा प्रोफेसर साहब। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं शादी के टॉपिक के ऊपर और जैसे हाफिज़ शफीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामिक स्कॉलर, उन्हीं के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर उबैदुर रहमान शफीक साहब ने, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं और आज भी हम इनसे जो है वजीफ़े भी लेंगे और टॉपिक पर बात भी करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस्तखारा होता है तो ये इस्तखारा हम किसी से करवा सकते हैं वो बेहतर होता है या खुद करेंगे इस्तखारा तो वो बेहतर है शादी के लिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सवाल पूछा, अगर उसका एक मुख्तसर जवाब हो तो इसी सूरत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्तखारा का तरीका बताया है वो इसी तरह से बताया है कि जिसका मसला है वो अपना इस्तखारा खुद करे। अगर हम आप सल्लल्लाहु, मगर कुछ लोग ये कहते हैं ना कि अगर हमने किया तो उसका तरीका अगर गलत हो गया फिर हमें नहीं जवाब मिला या हमें नहीं समझ आई फिर, तो इसलिए किसी से करवाने की बात करते हैं। इसके लिए इस्तखारे के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अच्छा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए इस परस्पेक्टिव में देखा जाए कि कोई दूसरा इंसान मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मुझसे ज़्यादा नेक है, तो वो अगर मेरे लिए इस्तखारा करेगा तो हो सकता है उसमें भलाई आ सकती है। तो अगर हम उस ज़माने को देखते हैं तो सहाबा के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई अफजल शख्सियत नहीं थी, तो हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि कोई सहाबा के
सहाबियात में से कोई या कोई सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहें कि अल्लाह के नबी आप हमारा इस्तखारा कर दें, जो आपने तरीका सिखाया वो इसी तरह से सिखाया कि आप इस्तखारा करें। जो आपका सवाल है कि पता कैसे चलेगा या हो सकता है कि कहीं मेरा इस्तखारा गलत ना हो जाए, तो उसके लिए हमें इस्तखारे के असल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस्तखारा अरबी का वर्ड है जिसका मतलब है अल्लाह सुबहानहु व तआला से खैर तलब करना, खैर मांगना। अगर आप कोई भी मामला करने जा रहे हैं, जैसे हम स्पेसिफिकली शादी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस शादी के मामले में अल्लाह सुबहानहु व तआला से खैर मांगना कि अल्लाह इस मामले को मेरे लिए बेहतर कर दे, और अगर ये बेहतर नहीं है तो फिर मुझे इससे दूर कर दे। तो इस्तखारा स्पेसिफिकली ये अल्लाह और बंदे का ख़ास मामला है, और ये वो ख़ास खैर और ख़ास मशवरा है जो आप अल्लाह सुबहानहु व तआला से कर रहे हैं। तो मशवरा हमेशा वही होता है जो आप ख़ुद कर रहे होते हैं। तो इसमें अल्लाह सुबहानहु व तआला ने और रसूलल्लाह ने जो हमें बताया, एक ऐसी अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से अल्लाह का प्यार है, अल्लाह का इनाम है कि आप अपने काम में अल्लाह से इस्तखारा कर लें और मशवरा मांग लें। और अगर मिसाल के तौर पर इसमें अगर हम पूरी दुआ को देखें, जैसे ब्रेक से पहले हफ साहब उसका पूरा तर्जमा और उन्होंने पूरी डेफिनेशन भी बताई उसकी, उसमें अल्लाह से यही मांग रहे हैं, बुनियादी तौर पर दुआ है। हाँ, इसका ख़ास तरीका रसूलुल्लाह ने बताया कि आप पहले दो रकत नमाज़ पढ़ें, उधर दो रकत नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम फेरें, और सलाम फेरने के बाद अगर आपको दुआ ज़ुबानी याद है तो ज़ुबानी पढ़ लें, नहीं तो आप उसका प्रिंट आउट ले लें, हैंड आउट ले लें आप, और उसको देख के पढ़ लें। अच्छा। और अगर उसमें कोई लफ्ज़ की गलती भी हो जाती है तो अल्लाह सुबहानहु व तआला तो दिलों के हाल जानने वाला है ना, अल्लाह सुबहानहु व तआला को अल्फाज़ की ज़रूरत नहीं है। अरबी थोड़ी सी सही नहीं होती ज़ेर ज़बर, तो हम उसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। आप कोशिश करें अरबी को पढ़ें, दिल का हाल अल्लाह ताला जानता है। मैं बड़ी प्यारी हदीस आपके हवाले से बताऊं, एक उमूमी जनरल हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मा सफर अल किराम अल बररा। एक तो वो इंसान है जो कुरान और अरबी को बहुत खूबसूरती से पढ़ता है, उसका मुकाम तो अल्लाह सुबहानहु व तआला के बरगुजीदा लोगों में होगा और वो अम्बिया और सुलहा के साथ होगा। लेकिन एक इंसान वल्लज़ी यक़रउल कुरान, वो कुरान पढ़ता है लेकिन कमज़ोर है, वयतताअ फी, उसमें ना अटकता है, अटक के पढ़ता है, तो ऐसा बंदा अल्लाह को ज्यादा पसंद आता है। मैं बहुत अटक के पढ़ता हूं, मेरी स्पीड भी बहुत स्लो है, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं फास्ट कर लूं, हो ही नहीं रही। हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अटक जाता है ना, अल्लाह ताला ने उसके लिए डबल अजर रखा है, एक कुरान पढ़ने का, दूसरा उसकी ज़्यादा कोशिश और एफर्ट करने का। तो हमें अल्लाह सुबहानहु व तआला के साथ मामले को देखना है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कोई हमारे लिए सेल्स गोल सेट नहीं किए। अच्छा। कोई परफॉर्मेंस इसको नहीं अल्लाह हमारे देख रहा होता कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो अल्लाह के हाथ दिल की नीयत है, इस पे वो नहीं हमें। अच्छा, कोशिश इंसान को करनी चाहिए अपनी, एफर्ट पुट करनी चाहिए। एफर्ट पुट करने के बाद फिर भी अगर आपसे गलती हो जाती है तो अल्लाह सुबहानहु व तआला तो वो इतना रहीम है। एक कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि जन्नत या अल्लाह की रिज़ा या अल्लाह का इनाम कभी भी हमें अपने आमाल के सक्सेसफुल होने के बुनियाद पे नहीं मिलेगा। ये दुनिया के अंदर हमने सेल्स गोल सेट किए होते हैं कि अगर आप इतना काम करेंगे तो देन यू विल अचीव दिस थिंग। एक कॉल शामिल करना चाहूंगी, रेहाना है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ रेहाना, बताइए क्या मसला है? आज दो स्कॉलर हमारे साथ बैठे। मैं ना इसलिए आपको कॉल कर रही हूँ, मेरे बेटे की मम्मी को काफी देरी हो गई है। अच्छा। लेकिन कुछ शादी के आसार नहीं नजर आ रहे। अच्छा, क्या उम्र है? तो है? क्या उम्र है उनकी? तकरीबन 24 साल। अच्छा, तो मैं अभी आपको उसके लिए वजीफा बताती हूँ। वैसे कोई मसला तो नहीं है कोई? यही तो मैंने पूछना आपसे, को वजीफा वगैरह बता दें कि जल्दी इसकी शादी हो जाए, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे भी टेंशन है, परेशानियाँ जो खत्म हो जाए। शफीक साहब, ओवर टू यू प्लीज। आप तो कितनी देर होगी मंगनी को, या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि मंगनी टूटी है या मंगनी चलती रही है? नहीं, 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 तो पहले कभी नहीं। कितने साल हो गए मंगनी को? 4 साल हो गए। अभी शादी से तो साल नहीं नजर आ रहे। तो देखें, उसके लिए बड़ा आसान वजीफा है, एक तो दो रकत नमाज, ये तो हाजत लाजमी पड़े, लेकिन सूरत बाकरा की 101 से 103 101-103 नंबर आयत है, वो शादी ना हो या शादी हो के ना चले या शादी चलने में कुछ दुश्वारियाँ हो, तो ऐसे तमाम मसाइल में कुरान मजीद सूरत बाकरा की आयत 101 से 103 ये आप पढ़ेंगे, इसको 7 दफ़ा 11 दफ़ा 21 दफ़ा सुबह दोपहर शाम पढ़ लें, और उसके बाद बच्चा 7 सूरत फातिहा आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के अपने चेहरे पे फूंक मारे या पानी दम करके पानी से वुजू कर ले, तो हो सकता है कि बसा औकात अगर जादुई मसला है या कोई हसद का मसला है, नज़र बद का मसला है, तो इन तमाम शक्लों में अल्लाह के फजल करम से नज़र बद भी उतर जाएगी, और हसद है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जादू की शक्ल है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ख़ुसूसन जिस वक्त आपके जिनको आपने प्रपोज किया हुआ है वो लोग आपकी तरफ आएँ, तो बच्चा बग़ैर वजू के
और वुजू भी वो जो पानी दम किया हुआ है उसके बगैर उनके सामने ना बैठे, दुआएं पढ़े बगैर ना बैठे। बस औकात ये होता है कि जिस वक्त बच्चे के सामने जो है दोनों आपस में रिश्ते करने कराने वाले मिलते हैं तो उनको कुछ ऐसा मसला दरपेश आ जाता है कि बच्चे की शक्ल व सूरत का मसला आ जाता है या घर की गुड लुक का लोकेशन का मसला आ जाता है या इसी तरह अफराद के रवैयों का मसला आ जाता है, तो वो लोग एक दूसरे को परखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि आया कि ये शादी करनी है या शादी नहीं करनी। अगर तो इस तरह का मसला है और यकीनन इस तरह की जो सूरत नज़र आ रही है क्योंकि मंगनी हो गई, आगे शादी मंगनी हो रही है, 4 साल हो गए तो उसके बाद नहीं हो रही, एक तो तरीका ये है कि अपने ऊपर करें और एक तरीका ये है कि 2 रकत नमाज पढ़ के उनके लिए खैर और उनके लिए हदायत और उनके लिए हालात को खुशगवार बनाने की दुआ भी करें। हो सकता है कि उनके कुछ ऐसे फिजिकली कुछ मुआशी मामलात हों जिनकी वजह से आगे मामलात चल नहीं रहे। शादी पे नहीं लेके जाओ। अगर बात की जाए ना फिर शादी में जो रुकावटें आती हैं मसलन उसको जज करना हो तो वादे बात है कि शादी में बार बार रुकावट आनी शुरू हो जाए तो पक्की बात है या तो नजरे बद हो गई है या हसद हो गया या जादू वाली कोई शक्ल होगी। शफीक साहब जब आप ये बात डिस्कस कर ही रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि इसका भी जरा एक बल्कि कॉल आगे मैं कॉल चाहूँगी कि जितनी ले सकूँ। आज याया है कराची से, अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र याया, ठीक है आप खैरियत से? शादी या मैं आजकल जाहिर है लड़का चाहे लड़की की मर्जी पूछी भी जाती है, पूछते भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है फिजा की दोनों तरफ से डिवोर्स का रेशो आजकल बहुत बढ़ रहा है, कहीं लड़के ने बर्दाश्त नहीं, कहीं लड़की ने बर्दाश्त नहीं। तो मैं फिर देखिए कोई ऐसा, हम लोग शादी पर कितना पैसा करते हैं लेकिन लड़के लड़की तरबियत में उनको समझाते थे उस बात से, तो ये मैं चाहता हूँ कि ऐसी बात हमें समझाएं कि भाई जब किसी लड़की या लड़की कहीं जाती है, लड़के की जाती होती है तो किस तरह वो बीवी को बर्दाश्त करे और लड़का किस तरह, लड़की किस तरह घर वालों को बर्दाश्त करे, उसको थोड़ा टाइम दे तो फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े फैसले इतनी जल्दी नहीं होते, ये सबर कैसे हासिल होगा ये मैं सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा सवाल है और मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, उसके बाद इसका जवाब आपको के बाद, आप देखते रहिए हमारा शो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शादी के ऊपर और शादी के वजीफे और दुआएं हम आपको बता रहे हैं, हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो साहिब इल्म जो हैं वो बैठे हैं उसके बाद आपकी रहनुमाई के लिए, तो ब्रेक के बाद वापस आइए। वेलकम बैक, आप देख रहे मॉर्निंग विद फिज़ा, हम बात कर रहे हैं शादी के ऊपर और शादी के ऊपर जो वजीफे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा याया की कॉल आई थी, इस पर छोटा सा जुज़ मैं एक जवाब दे देती हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे। अभी ब्रेक में हम सारे यहाँ पे बात कर रहे थे तो जो हमारे यहाँ पर स्कॉलर साहब हैं सारे दोनों, उन्होंने ये हमें बताया कि जो शादी है ना, शादी से पहले बस मर्द और औरत दोनों का एक छोटा सा डिप्लोमा होना चाहिए ताकि वो शादी को आगे अच्छी तरीके से लेके चले, शादी को ख़राब ना करें क्योंकि बच्चों को पता कुछ नहीं होता, पेरेंट्स शादी करा देते हैं उसके बाद नाचाकियाँ शुरू जाती हैं, चिड़चिड़ेपन शुरू जाता है। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि मर्द बाहर का शेर हो और औरत जो है घर में फैसले देने वाली औरत हो, वज़ीर दाखला, यानी औरत को वज़ीर दाखला होना चाहिए और मर्द को वज़ीर खारजा होना चाहिए। क्या बात है। हाँ, और देखे पता है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लियाली वाना खैरुकुम लियाहली, तुम में से बेहतरीन मर्द वो है जो अपने अहल अयाल के लिए अपने अहल खाना के लिए बेहतर है। बाहर मर्द जितना भी हशाज बशाश है, आप रात 12 बजे भी आ रहे हैं लेकिन मुस्कराते हुए घर में दाखिल हों और हंसते खिलखिलाते हुए दाखिल हों। और इसी तरह औरत को भी चाहिए कि वो जितना भी इंतज़ार करके बैठी है उसे वेलकम करे, शुरू में ऐसा जुमला ना करे। अखलाकियात ऐसी बड़ी चीज़ है के प्यार मोहब्बत उल्फत शफकत की जहाँ धीमी धीमी बारिश चलेगी वहाँ प्यार मोहब्बत से काम चलते हैं। आप देखें एक जुमला ऐड करता हूँ, एक आखिरी बात ऐड करता हूँ कि घर चूल्हा जलने से नहीं चलते, घर प्यार मोहब्बत की धीमी बारिश से चलते। अल्लाह के रसूल के 11 घराने थे लेकिन चूल्हा किसी के घर में नहीं चलता था, लेकिन इसके बावजूद घर बड़े अच्छे तरीके से चलते रहे हैं। तो अखलाक प्यार मोहब्बत और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह को अपने दरमियान में जो गवाह बनाया और अल्लाह इत्ता कुल्ला का है, जब अल्लाह को अपने दरमियान में गवाह बना के चलेंगे और सब्र व तहम्मुल बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह घर भी चलाता है और खानदान भी चलाता है। अच्छा जी लीना की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम जी लीना। अस्सलाम वालेकुम जी लीना। लीना सलाम लीना, मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? जी। क्या कहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं आपसे ये पूछना जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चंद साल पहले ना
चांस मैंने अपने ना शादी के बारे में वजीफा किया था। अच्छा तो इस्तखारा, सॉरी, तो ना उसमें मेरा ये इस्तखारे का जो जवाब था वो ये आया था कि सब बेहतर ही होगा। जो इस्तखारा था ना उसका जवाब आया था कि सब बेहतर होगा, फिर अब 3-4 साल हो गए। जवाब आपको खाब के जरिए आया था या कॉल के जरिए आया था? जवाब आपको कैसे आया था, खाब के जरिए या कॉल के जरिए? कॉल के जरिए, उसी वक्त कॉल आई थी आपको? नहीं कॉल नहीं, मतलब लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो इसके बावजूद भी कई साल हो चुके हैं और ना ही कुछ मंजूर नहीं है और ना ही कोई मतलब रिश्ता वगैरह कुछ भी नहीं है अभी तक। हाँ जी, सबसे पहले तो बात यह है कि आप इस्तखारे का ना तसव्वुर, जैसा कि डॉक्टर बैदरमान शफीक साहब ने वो बताया कि आप 2 रकत जो नमाज पढ़ते हैं उस वक़्त तो मुखलिस हो ना, और जिस वक़्त दुआ पढ़ते हैं उस वक़्त तो खालिस हो। जब दुआ पढ़ते हैं और इसी तरह नमाज पढ़ते हैं, बस औकात यह है कि 2 रकत भी आपने चलती चलती पढ़ दी है और दुआ भी आपने चलते चलते पढ़ दी है, आप नमाज भी बड़ी तवज्जो से पढ़ें और 3 रकत 3 दफ़ा जो है ना वो दुआ पढ़ें, अल्लाह के फजल व करम से वो इस दुआ के नतीजे में रहमत हो जाती है। अगर फिर भी अब मामला दुरुस्त नहीं हो रहा तो आप हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम और रब्बी इन्नी लिमा अनज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर और इसी तरह इस्तग़फ़ार और इसके साथ साथ 4 कुल ये पढ़ते रहें और उसके बाद आगे दुआ करते हैं, अल्लाह ताला रहमत फरमा देगा। खुसूसन मैं यहाँ एक बात फिजा ऐड करता जाऊँ कि जिनके रिश्ते नहीं होते उनको चाहिए कि रिश्ते जिस वक्त प्रपोजल वगैरह प्रपोज करता है उनके आने से पहले अपने कपड़ों को दम किया हुआ पानी छिड़काव करें और इसी तरह अपने आप को वज़ू करके फिर उसके बाद बैठाएँ और सुबह की नमाज खुसूसन पढ़ के, फजर की नमाज, फजर की नमाज के बाद आप पूरा दिन अल्लाह की ज़मानत में रहते हैं। मैंने कितने लोगों को ये काम बताया है, अल्लाह के फजल करम से उन बच्चियों के ना सिर्फ रिश्ते हुए हैं बल्कि कामयाब रिश्ते चले भी हैं। हमारा ये होता है कि हमें हसद नज़र का, जादू का या इस तरह के लोगों के मसाइल का हम शिकार होते हैं, तो जिस वक्त रिश्ता देखने वाला आता है तो वही आया तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फेंकी तो रस्सियाँ गई थी लेकिन वो नज़र आनी शुरू होगी सांप। मेरे सामने एक बच्ची वगैरह, उनकी बात आई, कहने की हम सब बिल्कुल चेहरा साफ है लेकिन लोग जो इशू बना के गए वो कहते हैं बच्ची की एज जो है वो एजर महसूस हो रही है, चेहरा साफ नहीं महसूस हो रहा, सिर्फ वो देखने वाला आदमी है उसको महसूस होता है ये बच्ची एजर्ड है या बच्ची का चेहरा साफ नहीं है। इस तरीके से ये पक्की बात है, जो कपड़े पहनने हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी दम किया हुआ छिड़काओ और इसी तरह वुजू करके 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ करके फिर अपने मेहमानों के सामने जितनी देर भी आपने बैठना है अल्लाह के फजल व करम से आपकी शख्सियत को अल्लाह जादबे नजर बना देगा और उसी से रिश्ता ओके भी हो जाएगा। और ये एक दफ़ा नहीं करना, शादी तक हर दफ़ा जब भी जाना है आपने और जब भी उन्होंने आना है यही अमल करते रहें और साथ ये दुआ पढ़ते रहें हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम अल्लाहुम्म ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला वान तताजालु लहादा नइदा शीत सहला। या अल्लाह दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं मगर वही आसान है जिसे तू आसान करे और जिसको तू आसान कर दे वो कभी भी मुश्किल नहीं रह सकता। और एक दफ़ा बहना ऊपर आसमान की तरफ देख के कहे कि या अल्लाह अगर मैं ही पकीज़गी की ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ तो क्या तू मेरी इस पकीज़गी की ज़िंदगी में मदद नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का और इतनी आपने ख़ास एहतमाम जो हमें बताया। मुझे लगता है जिन जिन को ये मसले हैं शादी के वो प्लीज़ इसका एहतमाम तरीके से करें और इसको इन्हीं तरीक़ों से पढ़ें जिस तरीके से हमें यहाँ पर हमारे आलम दीन जो हमारे स्कॉलर्स हैं इस्लामी उन्होंने बताया। तो आपसे फिर मुलाकात होगी और नेक्स्ट जुमे हम फिर किसी टॉपिक के ऊपर कोई बात करेंगे और कोई वजीफे आपके लिए लेंगे ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। आज के लिए खुदा हाफिज़, इजाज़त चाहती हूँ, टेक केयर।